स्टार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। आज हम मैदे के मटर बनाने जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मैदा 250 ग्राम, मोन के लिए घी या तेल, अजवाइन और नमक और थोड़ा लूक वार्म पानी यानी कि कोसा पानी। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैदा लेने जा रहे हैं जो मैंने छान कर रखा हुआ है, परंतु हम एक बार फिर से भी छान लेंगे ताकि जो नमक है वो एक सार मात्रा में सारे मैदे में मिल जाए। देखिए ये नमक और मैदा हम मिक्स करके छान रहे हैं। ये नमक की मात्रा मैं आधा टीस्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमारे मैदा छनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अजवाइन मलाने जा रहे हैं। ये अजवाइन है, एक टीस्पून हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे, ही फुल। आप कम या ज़्यादा भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब मोन के लिए हम इसमें तेल मिलाने जा रहे हैं, वो है हमारा 1, 2, 3 और 4 टेबलस्पून। अब हम मैदे और मोन और अजवाइन को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसल मसल कर इस प्रकार से। फिर हम इसका आटा लगाएंगे कोसे पानी से, लूक वार्म वाटर से नीट करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। ऐसे मसल मसल के आप इसे मिक्स कीजिए। अब मेरे पास ये 150 ml वाटर है कोसा पानी। अब हम देखते हैं इसमें कितना पानी लगेगा। लगभग इतने मेरे हिसाब से 100 ml पानी लगना चाहिए, 100 ml। धीरे धीरे पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। सख्त आटा लगाना है और उसे हम हाथों से मसल मसल कर मुलायम कर लेंगे ताकि हम अच्छी तरह उसकी चपाती बेलकर मटर काट सकें। ऐसे नीट करना है। अब हमारा ये आटा तैयार है। जैसा हमने मठड़ी का लगाया था मठियों के लिए, वैसा ही आटा हमने मटरों के लिए सख्त आटा तैयार किया है। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेकर उसकी चपाती सी बनाकर फिर मटर काटेंगे। देखिए हमने ऐसा सख्त सख्त आटा लगा लिया है और देखिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़े चपाती बेलने के वक़्त, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारा आटा सख्त है। जैसे हमने इसकी पतली पतली चपाती बेल ली है ताकि हमारे जो मटर हैं वो पतले बने, मोटे नहीं। मोटे मटर अच्छे नहीं लगते खाने में, टेस्ट में अच्छे नहीं रहते। देखिए हम इसके चाकू की सहायता से पतले पतले मटर काटेंगे, ऐसे कट लगाकर। जैसे भी आपको चाहिए, ज़्यादा चौड़ाई चौड़ाई में, कम चौड़ाई में, वैसे ही आप काट सकते हैं। साइडों पे थोड़े मोटे बन रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी बेलन चला रही हूँ ताकि साइडों पे भी थोड़े ब्रीक बने, एक साथ मटर बने। अब हम अपना ऑयल चेक करेंगे कि वो गर्म है या नहीं, तैयार हो गया है क्या। ऐसे डाल के देखेंगे,
ये हमारा ऊपर आ गया। तो हमारा क्या है, जो तेल है वो तैयार है। हम मीडियम आंच पे अब इसके मटर डाल लेंगे बनाने के लिए। मीडियम जो आंच है वो मैंने मीडियम रखी है। देखिए अब जो हमारे मटर ब्राउन होने शुरू हो गया, गोल्डन रखनी है, लाइट ब्राउन। ये हमारे मटर तैयार हैं। अब हम किसी पेपर पे इसे निकालते जाएंगे। अब किसी पेपर पे हम इसे निकालते जाएंगे ताकि एक्सेस फैट्स है जो इसके निकल जाए। इस तरह से हम सभी मटरों को फ्राई करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन सेकते जाएंगे और उसके पश्चात निकालते जाएंगे और हमारे सारे मटर इसी प्रकार से अच्छी तरह सिक कर तैयार हो जाएंगे। अब हमारे सारे मटर बनकर तैयार हैं। देखिए कैसे पतले पतले फूले फूले से मटर बने हैं। आप जैसे भी चाहें ज़्यादा मोटे लंबे बना सकते हैं और चाय के साथ खाकर इसे इंजॉय कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।